वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज क्षेत्र के तरौंदा थाना से आ रही है, जहां कल दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार देने के मामले में अचानक दोपहर सवान के पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने सोमवार की दोपहर दरौंदा थाने पहुंचे और उसके बाद कल की हुई गोलीबारी मामले में पूछताछ की गई है। कल की हुई गोलीबारी मामले में पूछताछ की गई, उसके बाद एसपी ने थाना के विभिन्न मामलों की जांच के बाद पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए हैं। एसपी ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष हवालात व थाना परिसर में व बैरक का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया है। थाना प्रभारी से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली है। एसपी किरारी और अद्यतन करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस कष्ट तेजी का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारा करें। उन्होंने पुलिस व पब्लिक के बीच समन्वय की बातें कही है। एसपी ने लंबित कांडों का निष्पादन, विधि व्यवस्था, संधारण एवं अपराध अनुसंधान से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और कल के गोलीकांड में उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि पुलिस प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रही है और कुछ आपसी मामले को लेकर गोलीबारी जैसी घटना हुई है। पहला तो कल एक घटना हुई है, उस मामले की भी पूरी जानकारी मिल गई और जो नामजद किए गए पर ज्ञान के आधार पर उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और घटना के संबंध में भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि कुछ जो है मतभेद था किसी बात को लेकर, पूरी डिटेल्स अभी देना उचित नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें जाँच में आई हैं कि क्यों ये घटना हुई और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए इसमें और प्रभावी कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटनाएँ नहीं हों। इसके अलावा अन्य कुछ मैटर्स पर बात करने की, जैसे कि प्रेगनेंसी, यहाँ पे करीब 400 कांड यहाँ आरोप पत्र के लिए लंबित हैं, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, अनुसंधान करता बाद कैसे समीक्षा करें, एसडीपीओ कैसे समीक्षा करें, इंस्पेक्टर कैसे समीक्षा करें, इन सब पर इनको मार्गदर्शन दिया गया और बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इस महीने और अच्छे निष्पादन की जो है अपेक्षा की जा रही है।